चले मर्दो। हाँ पुत्र, मारा तुम्हारे हट। थैंक यू। चले? हाँ अरे साइमा रहने ही दो, मुझे तो पता है ना सबा भाभी उनकी चलाकियों को, मतलब जानबूझ के हमें हवा तक नहीं लगने दी। बस बस मैं तो अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओ आप आ गए जल्दी। हाँ जरा जल्दी फ्री हो गया था तो कार्टन्स वगैरह वेयर हाउस पे रखवा दिए थे, सोचा घर चला जाता हूँ थोड़ा आराम कर लेता हूँ फिर मार चला जाऊंगा। क्या हो गया, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? होना क्या है, मतलब आपके तो खानदान वाले सिर्फ खर्चों के वक्त ही आपको याद रखते, अहम फैसलों के दौरान आपका रुतबा मर्तबा सब भूल जाते। चलो मैं तो बुरी लगती हूँ ना उनको, मेरी जबान अच्छी नहीं लगती उनको, लेकिन आप तो बड़े हैं, आपकी तो इज्जत करनी चाहिए, आपका तो ख्याल करना चाहिए ना उनको। अच्छा क्या हो गया बताओ तो सही, अब मेरे खानदान में से किसने क्या कह दिया? अरे साहब अभी तो आपके खानदान वाले आपको पूछने तक नहीं, तो ये हाल है आपका। मैंने कुछ चंद लफ्ज क्या बोल दिए तो शुरू हो जाते हो, मतलब आपको अंदाजा है आपके भाई और भाभी ने आपकी भतीजी की शादी तय कर दी और हमें तो खबर तक नहीं। शादी तय करती है, लेकिन सलमान तो बता रहा था कि सिर्फ रिश्ता तय हुआ। क्या सलमान आया था आपके पास? वाह, और आपने तो मुझे बताया तक नहीं, यकीनन आपके पास फिर से पैसे लेने आया होगा है ना? तेरा क्या हो गया तुमको, क्यों राय का पहाड़ बना रही हो? मुझे काम था, मैंने सलमान को फोन किया था तो उसने बताया, और अगर उसने तुमको इन्फॉर्म नहीं किया तो तुमको अपने रवैये पे गौर करना चाहिए। देखो चला, रिश्ते बना के रखने था तो ताल्लुकात को अच्छा रखना पड़ता है। आपको तो मेरी ही गलती नजर आती है ना, जैसे कि आपके खानदान वाले तो दूध के धुले हुए हैं, दोनों हाथों से लूटा है उन्होंने आपको। एक बात कहूं तलक, सोचा था घर जाऊंगा थोड़ा आराम करूंगा फिर मार जाऊंगा, फिर मुझे अंदाजा नहीं था कि यहां तुम और तुम्हारी ये बातें। हाँ हाँ जाएं, अपने भाई और भाभी के पास ही जा रहे होंगे, यकीनन वो मुझसे ज्यादा सगे ना आपके। मैं और मेरी बातें